ले भैया, उनके हाथ में पार्लियामेंट है ना, अभी बहुमत है ना, छीन ले, हिम्मत है तो दिखा दे, फालतू बात कर, हिम्मत है तो दिखावे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अक्सर सियासत होती रही है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अक्सर राजनीति गरमाती रही है, बिहार की राजनीति तो और गरमाती रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का, केंद्रीय मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह और अपने बयानों की वजह से खासे चर्चित भी रहते हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के वोटिंग राइट्स छीनने की बात कही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। और इसके बाद जेडीयू का बड़ा तगड़ा रिएक्शन आया है, इतना तगड़ा रिएक्शन कि सवाल पूछते ही जेडीयू के बड़े नेता भड़क गए, चुनौती देने लगे, हिम्मत है तो छीन कर दिखाइए। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जब यह सवाल पूछा गया तो वो भयंकर गुस्से में आ गए। उन्होंने सीधी चुनौती दे दी भारतीय जनता पार्टी को, यह कहा वोटिंग राइट लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है क्या, और हिम्मत है तो वोटिंग राइट छीन कर दिखाए भारतीय जनता पार्टी, छीन कर दिखाए गिरिराज सिंह। देखिए उपेंद्र कुशवाहा कितने गुस्से में हैं और किस तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं। आप लोग गलत व्याख्या, नहीं उनकी उनका कहना है कि 10% आरक्षण को लेकर आप लोग, आपने जो कहा है कि उसमें अन्य जो वर्ग हैं उनको भी भागीदार, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है कि हमने क्या कहा। एक चीज और, फिर कैसे सवाल, ये बैठक हो रही थी तो मुख्यमंत्री खुद क्या, हम जो बोले हैं कल की बात है, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए क्या लगता है। 10% आरक्षण के होने न होने के बारे में हमने कुछ कहा ही नहीं है, हमने जो कहा है वह यह है, हमने कहा कि जब 10% आरक्षण लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी संपुष्ट किया है, अब इस स्थिति में पहले से जो 50% की एक सीमा बनाई गई थी कि इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, तो लगभग 49% पहले से है, 10% इसको स्वीकार कर लेने के बाद तो 50% की सीमा टूट गई ना। तो जब सीमा टूट गई तो भारत सरकार को भी प्रस्ताव ला करके पार्लियामेंट से, और वह जो सीमा अब बिल्कुल कहीं की गलत लगा हुआ है उसको हटावे भारत की सरकार, हमने यह कहा है, उसमें कहाँ से कोई 10% को मिले न मिले यह तो कोई बात ही नहीं हुई है, इसलिए हमने कहा कि क्या कहा पहले उसको बताइए। सर एक सवाल है, मुख्यमंत्री जी को आपने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एक एक लोगों की अगर सुने, अगर किसी की वो शिकायत करने वाला व्यक्ति अगर वो साथी में बैठा हुआ है तो नहीं कर सकता है, तो क्या सुझाव दिया था और मुख्यमंत्री ने क्या? देखिए सुझाव तो सब लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से हमने दिया था और आम नेता कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसके अनुकूल हमने उनसे आग्रह किया है, और आग्रह यही है कि जो मिलने का काम पहले पार्टी के साथियों से करते थे, अभी भी कुछ दिन पहले उन्होंने किया कोरोना के बाद एक दो बार, लेकिन उस सिलसिला को और तेज़ करना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए इस काम के। साथ ही जब भी मुलाकात इस तरह की मुख्यमंत्री जी करते हैं तो उसमें खुद अकेले रहें, वहाँ आसपास किसी भी नेता को, हमने तो कल यह कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को ही मत बैठाइए, किसी को मत बैठाइए, क्योंकि लोग डायरेक्ट मिलकर कुछ बात अकेले में उनसे कहना चाहते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगल बगल बैठा रहेगा तो कहने में लोगों को स्वाभाविक रूप से थोड़ी परेशानी होती है, तो अब नतीजा उसका होता है कि सही बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए हमने ऐसा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ हम अब मिलेंगे लोगों से, मिलने का जो उसकी जो प्रक्रिया है हम तेज करेंगे, और उसी में कोई साथी अलग से भी कुछ कहना चाहे तो उसके लिए भी गुंजाइश रहेगी, अलग से भी थोड़ी बात। आपने कल कसम भी खाई है कि बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे, फिर उलट कर देख लीजिए हमने क्या कहा। अलायंस हमने कहा कि अब हमारी पार्टी तो अलग से है नहीं, हम तो जब पार्टी थी तो अलायंस की बात करते थे, अब तो जेडीयू है, तो जेडीयू है तो पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उसके अनुसार अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमने अपने बारे में कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बनने मौत स्वीकार कर सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना इस जन्म में नहीं स्वीकार कर सकते। यानी कि आप इस जन्म में नहीं बीजेपी में जा सकते हैं? कुमार के साथ रहेंगे। हाँ भैया, अभी इसको आप लोग क्यों
अब कितनी मतलब बार कहने की क्या जरूरत पड़ी, असल बात ये कहने की जरूरत पड़ी कि मीडिया में आप लोग चला रहे थे उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की और भाजपा की और आप ही लोग चला रहे थे। अच्छा, तो आप लोग कंफ्यूजन जनता में पैदा करते हैं तो हम लोग को बोलना पड़ता है मजबूरी में। नीतीश जी अगर जाएंगे तो आप जाएंगे? नीतीश जी अगर बीजेपी की तरफ झुकाव करते हैं तब तो आप जाएंगे? नीतीश जी बीजेपी की तरफ झुकाव करने वाले हैं? आप लोग क्यों फिर गलत बात गलतफहमी पैदा मान भविष्य में अगर कर दें क्यों नहीं, इस तरह का बिल्कुल गलतफहमी पैदा करने वाला सवाल। केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का जो लोग वायलेट कर रहे हैं उनका वोटिंग राइट्स छीन लेना चाहिए। छीन ले भैया, उनके हाथ में पार्लियामेंट है ना, अभी बहुमत है ना, छीन ले, हिम्मत है तो दिखा दे, फालतू बात कर, हिम्मत है तो दिखावे ना, बिल्ली की तरह बात करेंगे, हिम्मत है तो दिखावे, छीन करके किसका छीनते हैं दिखावे। आप लोग इसके बोल किसको रहे हैं या विरोध में अगर केंद्र सरकार इस बिल को लाती है? अरे तो केंद्र सरकार को किसी का वोटिंग राइट इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे? वोटिंग राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है, इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे और रख लेंगे? बोल ही रहे, फालतू बोल रहे हैं लोग बीजेपी।